Hello students, I hope you all are fine. This is our maths class. In this class, we will learn how to write the number 11. आपको मैंने इसके पहले जो वीडियोस बनाई थी उसमें नंबर 10 तक राइट डाउन करना सिखा दिया था कि किस तरीके से हम नंबर 1 से लेके नंबर 10 तक इन नंबर्स को राइट डाउन कर सकते हैं और इन्हें रीड कर सकते हैं. अब मैं जो नेक्स्ट नंबर लूंगी वो है नंबर 11. तो आज इस वीडियो में हम लोग नंबर 11 को राइट डाउन करना सीखेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. नंबर 11 के लिए आपको सबसे पहले जो मैंने नंबर 1 राइट डाउन करना सिखाया था इस तरीके से, एक स्टैंडिंग लाइन, नीचे एक स्लीपिंग लाइन और एक छोटी सी स्लैंटिंग लाइन. 1 लिखा हमने, फिर अगेन एक 1 लिखेंगे हम. देखिए इस तरीके से एक स्टैंडिंग लाइन, एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन और ऊपर एक स्लैंटिंग लाइन, शॉर्ट. तो ये हमारा हो जाता है नंबर 11. 1 1 11. देखिए आपने नंबर 1 राइट डाउन करना सीख लिया है तो आपको 11 नंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. जब डबल बार नंबर 1 को राइट डाउन किया जाता है दो बार तो वो नंबर 11 बन जाता है. 1 1 11. देखिए इस तरीके से 1 1 11. आप इस नंबर को इस तरीके से बार बार लिख लिख कर देखिए, आपको ये नंबर इजीली लर्न हो जाएंगे. 1 1 11 1 1 11. नंबर 1 राइट डाउन करना बहुत इजी है. एक स्टैंडिंग लाइन, नीचे एक स्लीपिंग लाइन और एक छोटी सी स्लैंडिंग लाइन. एक स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और एक स्लैंडिंग लाइन. ये हम बन गया हमारा नंबर 11. इजी है ना बच्चों? बहुत इजी है. डबल बार नंबर 1 को राइट डाउन करेंगे तो आपका नंबर 11 राइट डाउन हो जाएगा. इसी तरीके से आप भी जो मैथ्स की ब्लॉक वाली कॉपी है उसमें आपको इसी तरीके से एक ब्लॉक में डबल बार नंबर 1 को राइट डाउन करना है तो ये आपका नंबर 11 राइट डाउन करना आपको आ जाएगा. थैंक यू.